प्यारे बच्चे सुप्रभात। आज मैं वर्ग 4 विषय हिंदी पाठ 12 है और शीर्षक का नाम है व्हेल। व्हेल एक जीव का नाम है। अब आप लोग यहाँ पर देखे कुछ हम शब्दार्थ लिख दिए हैं जो इस चैप्टर के भीतर का है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब आइए हम प्रस्तावना की और आप लोग को ले चलते हैं। प्रस्तुत पाठ में व्हेल की विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ विस्तृत का मतलब होता है विस्तार से। आइए पाठ पढ़कर व्हेल के बारे में जानें। व्हेल धरती का सबसे बड़ा जीव है। यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि व्हेल क्या है, या धरती का सबसे बड़ा जीव कौन है, तो दोनों का यहाँ उत्तर हो जाएगा व्हेल। पृथ्वी पर पाए गए डायनासोरों के जीवाश्मों से पता चला कि नीली व्हेल डायनासोर से भी ज्यादा बड़ी है। व्हेल की उत्पत्ति करीब 7 करोड़ साल पहले हुई थी। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि व्हेल की उत्पत्ति कब हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा करीब 7 करोड़ साल पहले। माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले धरती पर चलने वाले एक मांसाहारी जीव में अचानक कुछ बदलाव आया, जिसके कारण उसने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। इस बीच उसके विशालकाय शरीर ने व्हेल मछली का रूप ले लिया। विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा। व्हेल का 5 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म इंग्लैंड में मिला। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न उठ सकता है कि इंग्लैंड में क्या मिला, तो इसका उत्तर होगा व्हेल का 5 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म। और एक और प्रश्न उठ सकता है, व्हेल का 5 करोड़ साल पुराना एक जीवाश्म कहाँ मिला, तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड में। दो तरह का यहाँ प्रश्न हुआ और दो तरह का उत्तर हुआ। व्हेल इतनी सारी भरकम व्हेल इतनी भारी भरकम होती है कि पानी के बहाव के बिना तो यह खुद हिल भी नहीं सकती है। कहने का मतलब है व्हेल बहुत भारी भरकम होती है, और कभी कभी अगर यह किनारे आ लगे तो इसका वजन ही इसके फेफड़े को कुचल डाले। लगभग 33 मीटर लंबी नीली व्हेल का वजन 150 टन के बराबर होता है। व्हेल क्योंकि स्तनधारी जीव है, इसलिए उसे सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि व्हेल कैसा जीव है, तो इसका उत्तर होगा स्तनधारी जीव। व्हेल वैसे तो डॉल्फिन की ही रिश्तेदार है, परंतु आकार में उससे काफी बड़ी है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक वैलिन और दूसरी होमोडॉन्ट। वैलिन व्हेल उन सभी व्हेलों को कहा जाता है जिनके दांत नहीं होते हैं। दूसरी मछलियों की तरह ये खून की प्यासी नहीं होती, ये केवल सूक्ष्म जीवों को खाती है। पानी में ये मुंह खोले घूमती रहती है। दरअसल इनके मुंह में हड्डियों का एक ऐसा ढांचा बना रहता है जिससे ये सूक्ष्म जीवों को अंदर रख पानी बाहर फेंक देती है।
बड़ी होयलों में यह प्लेट नुमा ढांचा कभी कभी 4 मीटर तक लंबा होता है। वैलिन होयलों में आती है नीली होयल, सेई होयल, हम्प वैक होयल, फिन होयल, ग्रे होयल और राइट होयल। ये सब वैलिन होयले हैं। नीली होयल को सल्फर बॉटम भी कहा जाता है। नीली होयल को क्या कहते हैं? सल्फर बॉटम। इसका कारण यह है कि पीले रंग के कुछ शैवाल इसके शरीर के निचली भाग की सतह पर चिपके रहते हैं। इसका क्या कारण है? पीले रंग के कुछ शैवाल इस नीली होयल के निचले भाग की सतह पर चिपके रहते हैं। यह 30 मीटर तक लंबी और 150 टन तक भारी होती है। 1922 में देखी गई एक नीली होयल 33 मीटर से भी अधिक लंबी थी। यह धरती पर अब तक की सबसे बड़ी होयल है। नीली होयल अक्सर अकेले देखी गई है। इसकी गर्मियां दक्षिण ध्रुवीय समुद्र में बीतती है जहां सूक्ष्म जीवों की भरमार है, लेकिन सर्दियां आते ही यह भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है। यही वैलिन होयल है। अब आगे होमोडोंट। होमोडोंट होयल दांतों वाली होयल कहा जाता है। किलर होयल, बेल्यूगा होयल, पायलट होयल, स्पर्म होयल आदि होमोडोंट होयल होती है। ये शिकारी होयले हैं। इनके दांतों की बनावट चीर फाड़ में उपयोगी होती है। चलिए अब एक और होयल से आपका परिचय करवा दूं। यह है स्पर्म होयल। इसे इसके असामान्य रूप से चौड़े सिर के कारण पहचाना जाता है। स्पर्म होयल की पहचान क्या है? चौड़े सिर। इसकी पीठ पर कुछ कुबड़ भी बने होते हैं। इसके निचले जबड़े में लंबे और नुकीले दांत होते हैं, किंतु ऊपरी जबड़े में दांत होते ही नहीं। वैसे तो यह गहरे नीले भूरे रंग की होती है, किंतु इसका निचला भाग हमेशा सफेद ही रहता है। नर स्पर्म होयल 19 मीटर लंबी हो सकती है, पर मादा स्पर्म होयल का आकार काफी छोटा होता है। यह अक्सर 15 से 20 का समूह बनाकर रहती है। यह काफी गहराई तक गोता लगा सकती है। कभी कभी तो यह 1150 फुट तक भी पहुंच सकती है। आइए अब निविशंस हत्यारी होयल यानी किलर होयल से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि मादा किलर होयल आकार में नर से थोड़ी कम है, पर नर किलर होयल 9 मीटर की लंबी को भी पार कर सकता है। इसका वजन लगभग 5000 किलोग्राम होता है। काले रंग की इस होयल के जबड़ों में 40 से 50 बड़े और नुकीले दांत होते हैं। ये हमेशा समूह में ही रहती है ताकि बड़े पैमाने पर शिकार कर सके। अधिकतर ये एक के पीछे एक सीधी लाइन में चलती है और कभी कभी पानी की सतह से काफी ऊपर उछल जाती है। इस बेहद आक्रामक जीव को भी अब प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसे ओसोनेरिया में रखा जाता है जहां लोग इसे करतब देखने आते हैं। करतब का मतलब हुआ खेल देखने आते हैं। प्यारे बच्चे, आप लोग इस पाठ में होयल के बारे में जानकारी पाई।
अब आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए। धन्यवाद।